माननीय सभापति महोदय, बेसिक शिक्षा संपूर्ण विकास की आधारशिला होती है, परंतु देश के अधिकांश भागों में बेसिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझता है, और यह कठोर सत्य है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। भाजपा सरकार आने से पूर्व 20 साल से पार्टी का नाम नहीं लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पार्टी का नाम नहीं लिया मैंने, मान्यवर, पार्टी का सरकार 20 साल जी प्लीज। हाँ मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। भाजपा सरकार आने से पूर्व 20 साल से अल्लाह जी तो नहीं जाएगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू केयर फॉर द चेयर्स डायरेक्शन, देन आई एम गोइंग टू एक्सपेंड व्हाट इज दिस एंड माय चेयर से जो कहूंगा उसी को पालन करना पड़ेगा। सॉरी बोलिए। मान्यवर, 20 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और पठन पाठन का वातावरण लगभग समाप्त हो गया था। अध्यापकों का बड़ा वर्ग विद्यालय जाता ही नहीं था। सरकारी तन से साठगांठ करके विद्यालय न जाकर अपना निजी व्यापार आदि करता था और नियमित रूप से वेतन पाता था। मान्यवर, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक अध्यापिका ऐसी थी जो 2 वर्षों तक विदेश में रहीं अपने पति के साथ और नियमित रूप से वेतन प्राप्त करती रहीं। महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार आने के बाद बेसिक शिक्षा के हालात बदले हैं और पठन पाठन के माहौल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को डिमांड टू रिलीव स्कूल टीचर्स ऑफ इलेक्शन ड्यूटीज, दैट इज द नोटिस आपने जो दिया। इलेक्शन ड्यूटी में टीचर्स को नहीं लगाना, मैंने सोचा विषय थोड़ा गंभीर है। आप मान्यवर, मैं आपके सदन के माध्यम से केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा मत है कि बेसिक शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि अन्य कार्यों में लगाने से शिक्षकों की शिक्षण कार्य के प्रति एकाग्रता भंग होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों को जनगणना, पोलियो तथा निर्वाचन कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना चाहिए। निर्वाचन कार्य का अर्थ केवल मतदान करने तक सीमित होना चाहिए, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि बेसिक शिक्षक वर्ष भर लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे रहते हैं। अतः मैं जिसके कारण से पठन पाठन का कार्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है और उसके दुष्परिणाम गरीब परिवारों के बच्चों को भुगतने पड़ते आते हैं, मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षकों को निर्वाचक नामावलियों के पुनर्निरीक्षण और शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों से तत्काल मुक्त करने की सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद।